ओडिशा इतिहास को आम जब देखा तर गोटे बड़ अवदान रही विशेषकर भारत स्वाधीनता क्षेत्र में हो जो असहयोग आंदोलन कर भारत छाड़ आंदोलन कर क्षेत्र में हो स्वाधीनता हो कि सबुठ बड़ जिते ओडिशा को गड़जात राज्य गुड़ी एकाठी कर ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश कर किंतु इतिहास आम जब देखा क्योंठना क्योंकि संकुचित हो गला भाग ना मन हो भावुंट कि स्कूल कलेज पिला जो मैंने बर्तमान पाठ पढ़ुंतर इतिहास को पढ़ा दरकार खाली विजुअ विजुअ पढ़ले सी कौटी महता विषय जानवे महता विजु बाबू को भी मत निजे हरेकृष्ण महता स्पष्ट प्रमाण कले सुरेन्द्र मत विजय आसी कहला मत इंडस्ट्री कर सुजोग दिखता आप राजनीति करतु कमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर दिल्ली में थे सी गोटे साइकल टेंडर ताकू दे विजु पट्टनायक शला ना से जो लाभ है छटा प्लेन से करते कलिंग एयरलाइंस तापरे देखते कहले सुरेन्द्र से नुह कलिंग जमा ए जमी 3000 एकर मागणा दे 1 रुपी से नुह सुरेन्द्र सेत समय बजेट हूँ समुदा 120 कोटी ओडिशार 3 कोटी टंका दे कलिंग चौद्वार फैक्ट्री तांकर जो अपड़ हो गला बोली ओडिशा पछे गला से दीज को जोड़ी जदि एक था ओडिशा बहुत आगे था मझे सेमती बसंत विश्वाल जानकी पट्टनायक जोड़ी भल काम आरंभ कले मझे लोभ होगला फाटीगला ओडिशा फेर पछे गला चली फेर ओडिशार भाग्य केतबेले जगन्नाथ आल्ला जीशु करे जना भारत जो ओडिशा इतिहास बही ए बही विषय आपको आगुरी जना था से बही कौन कौन लिखाई पढ़ी सब पढ़ी इतिहास टोटाल रही समस्ती विषय महान ओडिशा आमर जय राजगुरु आमर ये रघु दिवाकर रणपुर बक्सी दलबेरा ऑर्गेनाइज करी केमिति उठे वीर सुरेन्द्र साय फकीरमोहन सेनापति मधुसूदन दास आज स्वतंत्र ओडिशा से हूँ मधुसूदन दास विचक्षण बुद्धि इंग्रेजी एवं पारलाखेमडी महाराज चुंगुड़ी तरकारी देशी कुकुड़ा तरकारी माछ तरकारी लाट 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 आण की खुआई पिआई प्लीज करी एवं गोटे डोनेट दे थे डायमंड हार पारला महाराजा लेडी माउंटबेटन को स्वतंत्र ओडिशा करने तेणु एम दान गोपबंधु दास फकीर सेनापति डॉक्टर महताब ओडिशा स्वतंत्र राज्यपाई दान अतुलनीय विशेषतः पारला महाराजा पारला महाराज न था मधुसूदन दास जापार ना दिल्ली पैसा कौट पाई था से ताके पैसा पर पूरा घोर अभाव जीवा आसवा खर्च फर्च सब पारला महाराज बुझे ओडिशा इतिहास बही जो आज हिंदी रे अनुमोदन हैला सारा भारत बर्षर सबू लोक वर्तमान पढ़वे जे कौन थिला ओडिशा रो इतिहास जो बहीटी रचना करछन्ती भारत ओडिशा रो प्रथम प्रधानमंत्री ओडिशा रो प्रथम मुख्यमंत्री ओडिशा रो इतिहास ओडिशा रो जो सुनेली इतिहास रही ताकु जेते बेले पूरा भारत रो लोक पढ़वे गोटे गर्व आसबनी मोर तो छाती मन को फुली जाऊँगी जहाँ गोटे सर्वभारतीय स्तर आज खोलाला नरेन्द्र मोदी धन्यवाद खाली धन्यवाद नो तुम्हें जमी विजु पट्टनायक ना धरिकी नवीन पट्टनायक बंचीची तुम आ महता ना धरिकी बचा चेष्टा करनी जो आदर्श तर जो कार्यक्रम लोक पाख पठा प्रश्न ओडिशार कीर्ति कौन था से पाइक मानकर कि वीरत्व था कि साहस था सारा भारत दखल कर ब्रिटिश लास्ट को आसाला ओडिशा खोर्धा कम गर्व कथा नो आम शुणिले से इतिहास रूम टाँगी जाऊँगी तेणु आज सर्वभारतीय स्तर में लोक मैंने पढ़वे मु अत्यंत खुशी किंतु नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय तुम गोटे सम्मान दब जदि भारत रत्न हरेकृष्ण महताम को दब प्रश्न र जो स्वप्न तर अधूरा रही जाए आप कौन केमती पूरण हो पार जो वर्तमान रो राजनीतिक पाणीपाग भितर हाँ
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚେଲା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କେବଳ ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧରାଇ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରୁ, ତାଙ୍କ ବେଳା ଭଲ, ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି, ନୀଳମଣି ରାଉତ ରହନ୍ତୁ, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚେଲା। ତେଣୁ ଫେର ସମୟ ଆସିବ, ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତହରି ମଧ୍ୟ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଯଦି ତା ଭାଗ୍ୟରେ କେଉଁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଭଲ ବିକାଶ ହେବ। କିଏ କହିବ କିଏ କେତେ ଦିନ ରହିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବେ କିଏ କହିବ, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ରହିପାରେ, ତାପରେ ଭର୍ତ୍ତହରିରେ ପଡ଼ିପାରେ, କି ଆଉ କାହାର ପଡ଼ିପାରେ, କି କଂଗ୍ରେସର କାହାର ପଡ଼ିପାରେ, କି ନହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିପାରେ, କେହି କହିପାରିବେନି କିଏ କେତେବେଳେ ପାୱାରକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆସିବେ ମହତାଙ୍କୁ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ି ଏ ରାଜ୍ୟର ସୁନାମକୁ କେମିତି ବଜାଇ ରହିବ ଏବଂ ଭାରତ ରତ୍ନ କେମିତି ମହତା ପାଇବେ, ସେ ତେଲେଇଆ ଭାରତ ରତ୍ନ ନୁହଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାରତ ହେଇଛି କାଶ୍ମୀର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣରେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛି ଉତ୍କଳ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠାବଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ମହତାବଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯାହା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି, କେମିତି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଏବଂ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ମହତାବଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ବି ଆଶା ଅଛି, ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ